सबको सलाम। मैं आप सबके साथ कलाम शेयर करूंगी, जबूर 92 उसकी पहली आयत। क्या ही भला है खुदा उनका शुक्र करना और तेरे नाम की मदद सराय करना, ए हक ताला, आमीन। आज हमें क्या ही भला है खुदावन का शुक्र करना। कुछ भी भला हो हमें खुदावन की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। अगर हम शुक्रगुजारी नहीं करेंगे तो नुकसान भी हमारा है, अगर हम शुक्रगुजारी करेंगे तो फायदा भी हमारा है। आज जब हम खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते तो हमारा मुंह बिगड़ जाता है, लेकिन जब हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं हमारे मुंह पर उसका जलाली नूर जमता है। आज हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए। खुदा ने काहिन से कहा, ए काहिन, तेरा मुंह क्यों बिगड़ा है? अगर तू भला करता तेरे साथ भला ना होता, अगर तू भला ना करेगा तो गुनाह तेरे दरवाजे पे दबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है। आज हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए, आज हमें अपनी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। आज हम शुक्रगुजारी से दुआ करते हैं, हमें सब कुछ मिल जाता है। आज हमारे पास खाने के लिए पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, तो उससे मांगे, उसकी शुक्रगुजारी करें। वो अपने आसमानी बैंक अकाउंट से हमें देगा। हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए। आज हम देखते हैं मुर्दा लाजर को, जब वो मर गया तो यीशु मसीह वहाँ आए, तो यीशु मसीह ने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाई और बाप से कहा, ए बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी दुआ को सुन लिया, और लाजर को हुक्म दिया, ए लाजर कब्र से बाहर निकला। लाजर कब्र से बाहर निकला है, हालेलुया, हालेलुया। आज जिस तरह हम भी ईमान रखते हैं हमारी भी सारी दुख परेशानियां चली जाती हैं। आज हमें ईमान में खड़ा होना है। आज हम देखते हैं, आज हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए। आज हम देखते हैं 5 रोटियां और 2 मछलियों को। वहाँ लोग बहुत ज्यादा थे और वो बहुत कम थे। यीशु मसीह ने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाई और बाप का शुक्र किया, तो वो इतनी ज्यादा हो गई, लोग खाकर भी शेर हो गए, लेकिन फिर भी 12 टोकरे बच गए। और जिस तरह हम भी शुक्रगुजारी से खाकर शेर हो जाते हैं, फिर भी बहुत सारा बच जाता है। खुदा कहता है, अपना मुंह खोल, मैं तेरा मुंह खूब भर दूंगा। आज हमें अपना मुंह खोलना है, वो हमारा मुंह खूब भर देगा। आज हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। आज हमें उसका शुक्र करना है। आज शुक्रगुजारी के लिए आमीन।